नमस्ते, सलाम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया मेरी वीडियोस शेयर करने का, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपने मेरी वीडियोस पसंद किया, मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भेजे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो में मैंने आपको सवाल कैसे पूछना है ये आपको बताया था। मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी और एक व्यूअर ने देखी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो वाई है, इंग्लिश में जिसे वाई कहते हैं और फ्रेंच में ईग्रेक कहते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट है ये कंसर्न नहीं है, ये वोयल है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, थैंक यू सो मच मेरी गलती बताने का। तो यही मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, आ अ ई ओ ऊ एश ईग्रेक, तो ये सारे वोयल हैं। ईग्रेक वोयल में नहीं आता, सॉरी कंसर्न में नहीं आता, ईग्रेक वोयल में आता है। मैंने पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क भी दिया था जिसमें मैंने कहा था कि आपने किसी से कोई सवाल पूछना है तो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, सुजे पहले लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमो। कॉम्प्लीमो मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, पहले वर्ब आएगा, फिर सुजे आएगा, या फिर उसके बाद कॉम्प्लीमो, या तीसरी ऑप्शन थी एस्क्यू लगा के उसके बाद तुच्छित उसके बाद सुजे आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर कॉम्प्लीमो आएगा। तो जो जवाब मुझे मिले हैं मैंने उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर ने लिखा है टू व्या दवा। अगर हम ध्यान से पीछे देखें, सुजे हमारा है टू, वर्ब लिया है व्या, कॉम्प्लीमो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टू व्या कब या क्यों कैसे, तो ये कॉम्प्लीमो दवा यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है टू व्या दवा, तुम कल आओगे। दूसरा तरीका है वर्ब प्लस सुजे फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तो वर्ब हमारा हो गया वियां, वर्ब वेनिर जिसको हमने कंजुगे किया है वियां टू डेमा। जो वर्ब है और सुजे है, जब इसको सवाल की तरह लिखते हैं तो इसके बीच में ये लाल कलर की लाइन आ जाती है, एक लाइन आती है। तो जिन्होंने लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन वो ये लाइन डालना भूल गए हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी सवाल पूछते हैं तो ये बीच में एक माइनस का साइन आ जाता है। तीसरी ऑप्शन है सवाल पूछने की एस्क्यू, एस्क्यू लगा के पहली वाली ऑप्शन दोबारा से पकड़ लेनी है, मतलब सुजे वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एस्क्यू टू व्यां दवा, क्या तुम कल आओगे। तो इसके बीच में एस जो एस है वो ई एस टी थ्रेमा जो इसको लाइन जो ये लाइन है सु एस्क्यू टू व्यां दवा, तो इस लाइन ये लाइन हमेशा डलती है। तो जिन्होंने ये जवाब दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, बस थोड़ी छोटी सी माइनर मिस्टेक्स हैं जो बोलने में नहीं पा सकता, जब लिखते हैं तब माइनस डालें तो अच्छा है। एक और व्यूअर ने अपना जवाब लिखा है, तो उन्होंने लिखा है चुव बुआर, छोटी सी मिस्टेक है, बुआर के एंड में ई आता है लिखने में, चुव बुआर, क्या तुम पीना चाहते हो, कुछ भी पीने की बात हो सकती है। Veux-tu boire? वही सेम माइनस, और बुआर के एंड में हमेशा ई आता है अगर चू की बात हो रही है, दूसरे बंदे की बात हो रही है। Est-ce que veux-tu boire? ये उन्होंने तीसरे ऑप्शन में किया है। इसमें दो गलतियां हैं, ये जो माइनस उन्होंने डाला है ये अच्छी बात है, वो भूले नहीं है, लेकिन गलत जगह पे डाला है, एस के बीच में आएगा, स को के बीच में नहीं आएगा, तो ये मैंने कोशिश कर दिया है, वर्चू नहीं आएगा, दूसरे ऑप्शन नहीं लेनी, पहली वाली ऑप्शन लेनी, एस्क्यू टू बुआ। तो अगर आप ये तरीके से समझ गए तो आप काफी सारे सवाल अपने आसपास लोगों से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो मैंने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बनाई है, उन्होंने मुझे कहा था कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं, ट्रेनिंग स्टाज, तो उस हिसाब से मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिससे आपको भी हो सकता है हेल्प हो, कि अगर आप कहीं काम ढूंढ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, या आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग करनी है, तो हो सकता है ये सेंटेंसेस आपके काम आए। अगर इनमें से नहीं आएंगे तो कुछ वर्ड्स ही आपको सीखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो शख्शे, शख्शे मतलब ढूंढना, जो ट्रावाई काम को ढूंढना, शख्शे जो ट्रावाई, मैंने एग्जाम्पल लिया के एफ सी का, तो आप कोई भी जगह का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, सेंटेंस हमेशा सेम ही। तो आप कहीं भी जाते हैं, बोझो बोलते हैं, आपका पहला मकसद ये होता है उनसे पूछना कि उनको बंदों की जरूरत है या नहीं है, तो
कैसे पूछा जाए कि आप एक्चुअली बंदे ढूंढ रहे हो या नहीं ढूंढ रहे। एस को मैंने आपको बताया था, एस को हर जगह चलता सवाल पूछना है। एस को उसके बाद हमारा सूझ आएगा वो वर्ब आएगा रिक्रूटे। रिक्रूटे करना मतलब ओम्बोशे करना, जैसे फ्रेंच में ओम्बोशे कहते हैं। रिक्रूटे करना बंदों को काम पे रखना, किसी को जॉब पे रखना, रिक्रूटे करना उसको। तो यहाँ पे है एस्के, क्या आप, क्या वू आप, एस्के वू क्या आप रिक्रूटे, रिक्रूटे रिक्रूटे कर रहे हैं मतलब बंदों को रख रहे हैं। एक्चुअल में अब की बात है, आजकल आपको बंदों की जरूरत है या नहीं है, इसको वो रिक्रूट है एक्चुअल में। तो सामने वाला बंदा आपको बोलेगा हाँ या ना, ना। दो ही ऑप्शन होंगे। अगर तो हाँ ऑप्शन है, वो बोलेगा वी ऑन रिक्रूट, हाँ हम रिक्रूट कर रहे हैं, हम बंदों को रख रहे हैं। या आप बोल सकते हैं वी सानुजारी, वी हम रख लेते हैं बंदे, जरूरत पड़ती रहती है हमें, वी सानुजारी होता है कभी कभी जरूरत पड़ती है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि वेबसाइट पे जाओ, अगर आप के एफ सी या किसी भी बड़ी मार्क या लोगो वाली दुकान पे जाते हैं, ज्यादातर वो यही कहते हैं। तो वी समझाइए हाँ हम बंदे रख लेते हैं, हमें जरूरत पड़ती है। इल फो पोस्टुले सुर ले सीट इंटरनेट, इल फो जहाँ पे इल फो आपको सुनाई दे दिया मतलब जरूरी है, करना जरूरी है, इल फो आपको यही करना चाहिए। पोस्टुले करना मतलब अपना सीवी और अपना मोटिवेशन लेटर देना किसी कंपनी को, पोस्टुले करना उनके जॉब के लिए अप्लाई करना। इल फो पोस्टुले, पोस्टुले करना अप्लाई करना। सुर ले सीट इंटरनेट मतलब वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरे ऑप्शन में आपको यही तरीके, यही सेंटेंस दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं ज्यादातर कंपनी वाले, वो दे पोजे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डिपोजे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो थ्रो कौन जी दाचियो, आपका कौन जी दाचियो, कौन जी दाचियो मतलब आपका बायोडेटा। सुर नोट को सीट इंटरनेट, वो दे डिपोजे थ्रो कौन जी दाचियो सुर नोट को सीट इंटरनेट, ये पहली ऑप्शन हो सकती है। दूसरे ऑप्शन में बोलेंगे नो ले रिक्रूटमेंट सो फिनी पुर सेट आने, इस साल हमने जितने बंदे रखने थे रख लिए, इस साल की रिक्रूटमेंट मतलब जो लोग हम रिसीव करें, जिन लोगों को हम रख रहे हैं, सो फिनी खत्म हो चुकी हैं इस साल के लिए। तो अगर वो आपको मना करते हैं तो आप फिर भी उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपना सीवी, अपना मोटिवेशन लेटर आपके पास छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। तो कैसे बोलते हैं, je peux quand même déposer mon CV, je peux, sujet, verbe, और ये सारा complément है। je peux quand même déposer mon CV, je peux, क्या मैं क्या नहीं होगा क्योंकि मैंने एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो एक तरह का सवाल ही हो गया बोलने में। जो क्या मैं, कौन मैं, फिर भी कौन मैं, कौन मैं, जो कौन मैं डिपोजे छोड़ना मुझसे भी, मैं अपना सेवे आपके पास छोड़ सकता हूँ। बोलेंगे हाँ या ना, वी अलेजी नो से पहला पेन, वी अलेजी हाँ आप छोड़ सकते हैं, नो से पहला पेन जरूरत नहीं है। तो ये पहली ऑप्शन है, आप कहीं भी जॉब ढूंढने जाते हैं कैसे पूछना है कि आपको बंदों की जरूरत है, वो आपको दो ऑप्शन बताएंगे, आप अपना सीवी छोड़ दें वेबसाइट पे या यहीं पे छोड़ दें, या वो बोलेंगे नहीं हमें बंदों की जरूरत नहीं है, इस साल के हमने जितने बंदे रखने थे सब रख लिए, ये जॉब ढूंढने जाते हैं। एक और ऑप्शन है वो लोग जो स्टाज वगैरह ढूंढ रहे हैं या ट्रेनिंग कोर्स वगैरह कर रहे हैं, वो कैसे बोलेंगे कि मैं स्टाज ढूंढ रहा हूँ। Bonjour. Dans le cadre de ma formation de plombier, je suis à la recherche d'un stage. Dans le cadre de ma formation de plombier, je suis en request qui était au plombier qui parlait de rien. Formation, matlab, ek tarah ki aapki training hoti hai, formation de plombier. Dans le cadre de ma formation de plombier, kyunki main formation kar raha hu plombier ki, je suis à la recherche. मैं ढूंढ रहा हूँ दा स्टाज, स्टाज होता है एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसमें जो शॉर्ट टाइम का भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम का भी हो सकता है, डिपेंड आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टाज उसको कहते हैं, आपको सिखाते हैं वो काम स्टाज। Je suis à la recherche d'un stage pour une durée de 3 mois. For example, आपका जो स्टाज है वो 3 महीने का है, आपको
तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, उसका आपको 3 महीने हैं जिसमें आपने सिर्फ स्टाज ही करना है। Pour une durée de 3 mois, 3 महीने का स्टाज है। तो दोबारा से रिपीट करती हूँ, dans le cadre de ma formation de plombier, या आप बोल सकते हैं dans le cadre de mes études, मैं अपनी पढ़ाई जो कर रही हूँ, dans le cadre de mes études de plombier, je suis à la recherche d'un stage pour une durée de 3 mois, pour une durée de 6 mois, pour une durée de 9 mois, pour une durée de 14 mois, कोई भी टाइम हो सकता है। सामने वाला बंदा आपको ये पूछेगा कि आपके पास सीवी या मोटिवेशन, ए मोटिवेशन लेटर है। सीवी और मोटिवेशन लेटर ज़्यादातर मांगते हैं, सीवी के साथ हमेशा मोटिवेशन लेटर ज़्यादातर देना हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो मांगते हैं। वूज एवे या सेवे, आपके पास सीवी है, आपका सेवे, आपका रिज्यूम, रिज्यूमे, ए इन लेटर दे मोटिवेशन, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप जॉब मांगने जा रहे हो या स्टार्ट होने जा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा रहे हो। वूज एवे या सेवे इन लेटर दे मोटिवेशन, आपका सीवी देखेंगे, अगर उनको थोड़ा सा सही लगा या हो सकता है कि कोई चांस हो तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, वूज ए डिस्पनीबल अपार्चर दे कॉन्, वूज ए, आप डिस्पनीबल फ्री हो काम करने के लिए, अपार्चर दे कॉन कब से, अपार्चर दे कॉन मतलब कब से। या यही सवाल को पूछने का दूसरा तरीका, कैल सों वो डिस्पनीबिलिटी, कैल सों वो डिस्पनीबिलिटी, तो मैं कब डिस्पनीबल, मैं कब से फ्री हूँ। Je suis disponible dès la semaine prochaine. अगले हफ्ते से मैं फ्री हूँ। या आप बोल सकते हैं, Je suis disponible dès demain. मैं कल से फ्री हूँ। या Je suis disponible à partir de lundi. मंडे से मैं फ्री हूँ। À partir de mardi, à partir de mercredi, कुछ भी बोल सकते हैं। शुरुआत में मुझे बोलना है, Je suis disponible. एक और सवाल पूछा जाता है, C'est un stage rémunéré qu'il vous faut? C'est un stage training. आपको चाहिए रेम्यूनरे, रेम्यूनरे वो होती है जिसमें पेमेंट की जाती है, इसमें आपको सैलरी मिलती है। अब दो तरह के स्टाज होते हैं, 3 महीने से कम वाले स्टाज होते हैं, उसमें सैलरी नहीं देते ज़्यादातर कंपनीज, बाकी कंपनीज पे डिपेंड होता है, नेगोशिएट करना पड़ता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, हाँ या ना, वी बोल देंगे, या नो पा वैमो, नो नॉट रियली, नो ऐसी कोई बात नहीं है, स्टाज मेरा रेम्यूनरे नहीं है। बंदा आपको बोलेगा देखो सही है, जे तू नोटे, मैंने सब कुछ लिख लिया, मैंने सब कुछ नोट कर लिया जो कुछ आपने मुझे बताया। उसके बाद वो बोलेगा ऑन वू कॉन्टैक्ट, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपसे रब्ता करेंगे, सी यून अपॉर्चुनिटी से प्रेजेंट, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कोई ऑफर आता है तो, ऑन वू कॉन्टैक्ट, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, सी यून अपॉर्चुनिटी से प्रेजेंट। वो बंदा आपको बोलेगा जो वो मैक्सी, आप उसे सामने वाले लेडी है ये बंदा बोले, आप उसे बोलेंगे मेर्सी अ वू, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, मेर्सी अ वू मैडम, या मेर्सी अ वू मोनसियर। या एक और तरीका बोलने का, मेर्सी डू मावा रोसू, थैंक यू मुझे रिसीव करने का, मेरे से 2 मिनट लेके बात करने का, कहने का मतलब ये है, मेर्सी डू मावा रोसू, रोवार रोवार। तो आई होप आज की वीडियो के बाद जो लोग जॉब्स या स्टाज ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कन्वर्सेशन कैसे शुरू करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।